खट्टर सरकार ने तुरंत प्रभाव से हरियाणा में रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी है। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने बताया कि 22 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक हरियाणा में रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई गई है। वहीं उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भी तमाम चीजें बताई। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकार के अच्छे कामों की सराहना करने की भी नसीहत दे डाली। हरियाणा में क्यों रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई गई है, इस बारे में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह से खास बातचीत की मेरे सहयोगी अनिल कुमार ने। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं, इस समय साथ हैं जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह, इनसे जानते हैं। जी निशान सिंह, बड़ौदा उपचुनाव के लिए गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। जब भी इलेक्शन कमीशन डेट देगा उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण तैयारी कर ली जाएगी। निशान सिंह जी, कब तक गठबंधन का उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया जाएगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन जब डेट देगा जैसे मैंने कहा, तो गठबंधन बैठ करके इस पे फैसला ले लेगा। निशान सिंह जी, कोई चर्चा भी हुई है उम्मीदवार को लेकर बीजेपी जेजेपी में? अभी समय से पहले की बात है, तो अभी तो चुनाव की तैयारियां हैं किस तरीके से चुनाव लड़ना है, और इसमें फैसला करने में कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन दोनों पार्टियां मिलकर के जब डेट आ जाएगी तो ये अपना निर्णय कर लेंगे। निशान सिंह जी, हरियाणा में रजिस्ट्रियां बैन की गई हैं, क्या कारण है जो बैन हुई हैं? सरकार का काम करने का अपना एक तरीका होता है। जैसे कहीं कोई दिक्कतें कोई कमियां नजर आई, उन सभी के ऊपर पूरी तरह से एक आत्ममंथन करने की जरूरत होती है, तो कोई गलत तो नहीं हो रहा, तो इसलिए एक महीने के लिए मान लें 22 से 17 तक ये रजिस्ट्रियाँ रोकी हैं, और पूरी तरह से सारा मंथन कर रहे, निर्णय करके कि क्या कोई गलत तो नहीं हुआ। तो कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि सरकार को सब चीज़ें सोच के करनी पड़ती हैं, तो ये मान के चलें 22 से 17 तक जो रजिस्ट्रियाँ रोकी हैं उसके बाद फिर शुरू हो जाएंगे। निशान सिंह जी, कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो सरकार है विफल है, और कोरोना फंड पर जो है जो सरकार है कामयाब नहीं हो पाई है। देखिए, कोरोना महामारी से निपटने के लिए गठबंधन सरकार ने हर एफर्ट्स करने का काम किया है, और मान के चले कि बाकी प्रदेशों की निस्बत हरियाणा के अंदर हम काफ़ी कामयाब भी रहे। ठीक है, विपक्ष कहा करता है, हुड्डा साहब ने ये बात कही, मैंने भी सुना है, तो कोरोना फंड की जहाँ तक बात है, दिल खोल करके लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में ये पैसा भी दिया, और उसके लिए लोगों को सर्विसेज भी सरकार ने बढ़िया दी है। कोशिश की है कि जो पॉजिटिव केस आए हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो है ना उनका इलाज हो, और उनको क्वारंटाइन या आइसोलेट करने के लिए जगह जगह आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं, और सरकार ने, मैं मान के चलता हूँ कि अच्छा काम किया है इस महामारी से निपटने के लिए। निशान सिंह जी, आप दावा कर रहे हो कि सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन विपक्ष क्यों कह रहा है कि विफल है सरकार? कभी आपने विपक्ष को सरकार की तारीफ करते हुए आज तक सुना है? प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी में हमेशा यही होता है कि विपक्ष अच्छे को भी अच्छा नहीं कह पाता, उनकी मजबूरियां होती हैं, और सरकार को कंडेम का, हालांकि मैं तो ये चाहूंगा कि हेल्दी प्रजातंत्र वो है कि सरकार के अच्छे काम की सराहना हो। जब हम काम करते हैं उनको कमियां भी रहती होंगी, ये ठीक है कि कमी को सरकार को चेताने का काम करे, सरकार उसमें सुधार लाने का काम करे, लेकिन हर बात को अगर कहें कि गलत हुआ तो मैं समझता हूँ विपक्ष की मजबूरी है। निशान सिंह जी, जिस तरह बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बन गए हैं, अब उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही जेजेपी और बीजेपी की बैठक होगी जिसमें उम्मीदवार को लेकर चर्चा होगी नाम की? हाँ, मैंने कहा जो ना पहले भी जैसे आपको कहा कि गठबंधन उस पर विचार करेगा, विचार करके निर्णय लेगा, और नए भाजपा के अध्यक्ष आए हैं उनको हमने बधाई भी दी है, और मैं उम्मीद करूंगा कि हम मिलकर के गठबंधन के लोग हरियाणा की सरकार में बेहतर काम करेंगे, संगठन में बेहतर काम करेंगे, लोगों को जो वायदे किए थे उन सभी वायदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। ये थे मेरे साथ
जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, इन्होंने कहा है कि जब चुनाव आयोग तिथियों का ऐलान कर देगा तो उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं इन्होंने बताया कि कुछ शिकायतें आने के बाद रजिस्ट्रियों को रोक दिया गया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।